तो गुजरात में राहुल गांधी ने अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर निशाना साधा एक बार फिर से और मोदी सरकार के नारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जरिए हमला बोल दिया है। क्या कहा राहुल गांधी ने आप खुद देखिए। पहले बेटी बचाओ था, अब नया प्रोग्राम निकाला है पीयूष गोयल कर रहे हैं बेटा बचाओ प्रोग्राम। ये है नरेंद्र मोदी। अच्छा बताइए भैया, एक बात बताइए, अब चौकीदार चुप क्यों है? अब चौकीदार चुप क्यों है जब उसकी नाक के सामने अमित शाह के पुत्र की कंपनी 50,000 रुपए से जाकर 80 करोड़ रुपए कमाती है महीनों में? तो नरेंद्र मोदी देश के चौकीदार चुप क्यों है? और राहुल गांधी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, राहुल गांधी ने गुजरात के विकास को लेकर भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि जब गुजरात में मोदी मुख्यमंत्री बने थे तो कर्ज 6,000 करोड़ था और अब बढ़कर यह काफी ज्यादा हो चुका है गुजरात पर। देखिए, शुरुआत की थी 6,000, गुजरात का डेट था 6,000 करोड़, आज गुजरात का डेट है 2,00,000 करोड़। 6,00,000 करोड़ से बीजेपी ने शुरुआत की, आज 2,00,000 करोड़ है। आपको एक सवाल पूछना चाहिए, इस 2,00,000 करोड़ रुपए में से हमारे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में कितना पैसा गया? यह सवाल आपको पूछना चाहिए। एक रुपया नहीं गया आपके पास, और आप जानते हो कहां गया है। तो मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में, राहुल गांधी उनके दौरे का ये दूसरा दिन आज, और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से सीधे सीधे घेराबंदी की जा रही है मोदी सरकार की। सवाल उठा रहे हैं वो, गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री बने थे तब कर्ज 6,000 करोड़ था, बढ़कर अब पहुंच गया है 2,00,000 करोड़ पर, ये आखिर कैसे हुआ? तो लगातार राहुल गांधी ने अपने निशाने पर बीजेपी को लिया हुआ है, मोदी सरकार को लिया हुआ है, और साथ ही जो मोदी का राज रहा गुजरात में उस पर भी निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देख रहे हैं आप। तीनों मौजूद थे अमेठी में जो राहुल गांधी का गढ़ है, और वहां पर तीनों ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।